उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी जिलों में निःशुल्क परिवार परामर्श केंद्र बनाई गई थी, जिसमें शादी के बाद पति पत्नी किसी विवाद के कारण अगर विवाहित जीवन से अलग हो जाते हैं और अपने अपने हक के लिए कोर्ट कचहरी का सहारा लेते हैं, जिसमें कई सालों के बाद निर्णय आता है, ऐसे जोड़ों को मिलाने के लिए परिवार परामर्श केंद्र द्वारा समझा बुझाकर पुनः समझौता कराकर दंपति जीवन और परिवार चलाने की राह दिखाई जाती है, जिसके चलते जनपद मैनपुरी पूरे मंडल आगरा में सर्वप्रथम रहा है। दरअसल इस परिवार परामर्श केंद्र ने अक्टूबर के महीने में 20 जोड़ों को समझा बुझाकर एकजुट करने का काम किया है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय ने पुलिस लाइन स्थित सभागार में परिवार परामर्श केंद्र व उनके द्वारा एकजुट किए गए 20 जोड़ों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें परामर्श केंद्र के अलावा 20 जोड़ों ने भाग लिया। इस दौरान अशोक कुमार राय ने सभी जोड़ों के साथ साथ परिवार परामर्श टीम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मैनपुरी पुलिस के द्वारा एक परिवार परामर्श केंद्र स्थापित किया गया है, जिसमें कि विभिन्न जोड़े दंपत्ति जो किसी छोटे मोटे कारणों बस अलग रह रहे हैं, कुछ मत विभिन्नता के चलते, उनको हमारे काउंसलर्स की टीम है। जैसा आप देखे हैं, समाज सेवी लोग हैं, विभिन्न आयामों से जुड़े हुए लोग हैं और ये अपना सब कुछ समय समर्पण के भाव से इनको मिलाने का काम करते हैं। उसमें हमारे पुलिसकर्मी भी साथ शामिल हैं और साथ में हमारे पुलिस अधिकारी भी समय समय पर आते हैं और ये लोग विभिन्न डेट्स पर उनको बुलाते हैं। नॉर्मली संडे को काउंसलिंग होती है और बार बार उनको छोटी मोटी जो गलतफहमियां उनको दूर करा करके हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको मिलाने का काम किया जाए, जिससे कि समाज में समरसता बढ़े और एक प्रेम के भाव के साथ वो लोग जो है यहाँ से विदा हों। इसी उद्देश्य के लेकर के विभिन्न पिछले गत कई महीनों से इस तरह से हमारी जो ये सोशल वर्कर्स की टीम थी, जिसमें आप देख रहे हैं समाज सेवियों को हम लोगों ने सम्मानित किया, इनके माध्यम से लगभग 20 परिवारों को हम लोगों ने मिलाने का काम किया और ये सभी लोग आज हंसी खुशी माहौल में रह रहे हैं, एक अच्छे वातावरण का सृजन कर रहे हैं। पुलिस परिवार इनके उज्ज्वल भविष्य की, सुखमय भविष्य की कामना करता है और इसी क्रम में हम सभी जो समाज सेवा से जुड़े हुए हमारे सोशल वर्कर्स हैं, इनको कोर्ट से धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने अपने अमूल्य समय देकर इस परिवारों को मिलाने का काम किया है, जो एक सामाजिक समरसता प्रेम भाव को बढ़ाने में मदद करेगा और एक अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की सेवा भी कर रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।